हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग बसंत भाग तीन का पाठ सात क्या निराश हुआ जाए पढ़ते हैं। यह पाठ जो है आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है और पाठ के जो लेखक हैं वे आशावादी हैं। वे कभी भी ये नहीं सोचना चाहते कि हमारे देश का भविष्य जो है वो गर्त में चला जाने वाला है, या तो भले ही आजकल समाचार पत्र में चोरी, डकैती, खून खराबा आदि के समाचार आते रहते हैं और इन समाचारों का पर जो है लोग चर्चा भी करते हैं, परंतु उन्होंने ये कभी नहीं चाहा कि हमारा ये कभी नहीं विश्वास किया, ये कभी नहीं मतलब कि उन्होंने सोचा ही नहीं कि हमारे देश का भविष्य जो है अंधकार में है। कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो लोग चोरी फरेब करते हैं वे ज़्यादा सुखी हैं, परंतु ये भी ध्यान देने की बात है कि कुछ हमारे देश के अंदर ऐसी धर्म मतलब कि आध्यात्मिकता लोगों के मन में भरी हुई है कि लोग कभी भी कोई भी गलत काम करने से हिचकिचाते हैं। वे कोई भी बचपन से उन्हें ऐसी सीख दी जाती है कि वे कानून और धर्म को अलग अलग मानते हैं और धर्म को जो है वह कानून से बड़ा मानते हैं। ऐसा मानना है कि लोग ये कुछ लोग ही ऐसे हैं जो बुरे हैं और गलत काम करते हैं, परंतु उनके साथ में हम उनको उनके उदाहरण देके हम पूरे देश के भविष्य को गर्त में जा रहा है ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा अंश पढ़ा कि लेखक कह रहे हैं कि अगर कोई गलत है, जैसे मान लीजिए कि किसान या उद्योग मतलब गरीब जो दरिद्र जन है उनकी सहायता करने के लिए सरकार की तरफ से जो कायदे कानून बने हैं, हाँ, कृषि उद्योग आदि, वाणिज्य, शिक्षा आदि, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था की गई है वह व्यवस्था जो है कुछ लोगों के लिए की गई है, उनके भले के लिए, उनके भलाई के लिए, और उसमें कुछ जो बिचौलिए हैं माने कि जो उच्च पद में हैं वो भले ही अपने स्वार्थ के लिए उनमें से उसके कुछ अंश को खा करके उन तक पूरा लाभ नहीं पहुंचाते, उनको पूरा लाभ नहीं मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में अभी भी ईमानदारी है, हमारे देश में अभी भी सच्चाई है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। कह रहे हैं कि हमारे भारत में लोगों की मान्यता है कि कानून को ही हम धर्म के रूप में देखते हैं। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है और आज जो लोगों के अंदर एक भावना भरी जा रही है कि धर्म और कानून अलग अलग है, ये भावना अभी मतलब आजकल लोगों के मन में उठ रही है, जागृत हो रही है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है, लेकिन लेखक का मानना है कि हम धर्म को धोखा नहीं दे सकते बल्कि कानून को दे सकते हैं, क्योंकि धर्म हमारे मन में रच बस गया है और बचपन से ही हमें धर्म और अधर्म में अंतर सिखाया जाता है, तो हम कभी भी धर्म का कार्य जो है मतलब ऐसा कार्य नहीं करते हैं कि जिससे हम दोषी हों, हम कानून के खिलाफ काम करें, हम अधर्म का काम करें, क्योंकि हमारा मन जो है आध्यात्मिक है। हम लोग भारत के लोग जो है हमेशा से परलोक को महत्व देते हैं और परलोक के कारण, परलोक की प्राप्ति के कारण वे हमेशा धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहते हैं। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता, मतलब कि धर्म तो हमारे मन में है, तो हम अगर गलत करेंगे भी तो हमारा मन हमें हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएगा कि हमने गलत किया है। इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता लेकिन कानून को दिया जा सकता है। कानून को क्यों दिया जा सकता है धोखा? क्योंकि कानून जो है वह चश्मदीद गवाह मांगता है, आंखों देखा गवाह मांगता है, और यदि गवाह नहीं है तो गवाह के न रहने की परिस्थिति में कानून जो है गलत साबित हो सकता है।
यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरु हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। और यही कारण है कि जो धर्म भीरु हैं, मतलब धर्म से के प्रति जिनके मन में डर है, वे कानून की जो गलतियां हैं उसे लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। हम इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा चुके हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। लेखक ये बता रहे हैं कि हमारे समाज के ऊपरी हिस्से में चाहे कुछ भी हो रहा हो, कितना भी परिवर्तन हो रहा हो, परंतु हम भारत के भीतरी हिस्से में यानी भारतवासियों के मन में ये भारतवासी ये अनुभव करते हैं कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। धर्म जो है वह कानून से बड़ी चीज़ है। ये दब अवश्य गई है लेकिन नष्ट नहीं हुई है। मतलब धर्म की जो भावना है वो दब गई है, मतलब उसे सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार उसका महत्व कम हो गया, दब गई है यानी कि उसके महत्व को कम कर दिया गया, कम आका जा रहा है, परंतु वह समाप्त नहीं हुई है, पूर्णतः वह समाप्त नहीं हुई है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हमारे यहाँ जो मतलब हम जो लोग हैं भारतवासी हैं, तो आज भी उनके मन में ये भावना है कि हमें लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, मनुष्य मात्र से प्रेम करना चाहिए, और चोरी करना गलत बात है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना गलत बात है, अधर्म है। क्योंकि बचपन से ही हमारे मन में जो संस्कार बन जाते हैं, हम उन संस्कारों के वशीभूत हो जाते हैं, हम उन संस्कारों को छोड़ नहीं सकते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है, और ख़ास तौर से भारत का जो निवासी है, भारत का रहने वाला है, भारत में ऐसी संस्कृति और संस्कार दिए गए हैं कि हर भारतवासी, हर व्यक्ति यहाँ का निवासी इस बात को का अनुभव करता है कि धर्म अधर्म माने कि लोगों को सताना, पीड़ा पहुंचाना, महिलाओं को कष्ट देने को का अपमान करना, ये सारे कार्य जो है अधर्म के कार्य हैं। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, आक्रोश का मतलब आपको हमने बताया है कि आक्रोश का मतलब है गुस्सा। धर्म के भ्रष्टाचार के प्रति जो लोगों के अंदर गुस्सा है, तो लेखक कहते हैं कि इसका मतलब है, ये प्रमाण है एक तरह से कि लोग अधर्म को पसंद नहीं करते हैं, और भ्रष्टाचार एक तरह का अधर्म है। साबित होना यानी कि प्रमाणित होना, मतलब कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, भ्रष्टाचार को दूर करने की चेष्टा करते हैं, यानी कि वे धर्म को मानने वाले हैं, ऐसा लेखक मानते हैं, और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन और मान संग्रह करता है। और समाज जो है माने समाज ऐसे लोग जो कि गलत तरीके से पैसे और सम्मान इकट्ठा करते हैं, ऐसे लोगों को लोग जो है गलत समझते हैं, उनका विरोध करते हैं। इसका ये सीधा सीधा मतलब इसका एक प्रमाण के रूप में ये है कि हम जो है गलत कार्य नहीं पसंद करते, और गलत कार्य को हम अधर्म की संज्ञा देते हैं। मैंने सभी के मन में ये भावना है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। लेखक कह रहे हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना, पर्दाफाश माने खुलासा करना। आपको हमने ये बताया था पर्दाफाश, दोषों पर से पर्दा उठाना। पर्दाफाश का मतलब है सामने लाना, किसी भी बुराई को जब हम सामने लाते हैं, पर्दाफाश करना, सामने लाना या खुलासा करना, ठीक है, सामने लाना या खुलासा करना। तो यहाँ इसका अर्थ हुआ
लेखक ये कहते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना गलत बात नहीं है, पर बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता। लेकिन गलत क्या है, लेखक इस बात को गलत मानते हैं कि किसी के जो चरित्र में बुराई है, किसी के मन में जो बुराई है उसको हम पर्दाफाश करें और उसमें रस लें। रस लेना माने आनंद लेना, यानी कि उसको माने एक तरह से बुराई के रूप में हम चारों तरफ उसके बारे में निंदा करें, उसकी बुराई करें, ये जो है लेखक की दृष्टि में गलत है। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। ऐसे लोग जो दूसरों के की बुराई का पर्दाफाश करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनमें जो कि उसी को अपना एकमात्र कर्तव्य मान लेते हैं, यानी दोष को सामने लाना ही, लोगों की के अंदर की बुराई को सामने लाना ही दोषोद्घाटन। दोष और उद्घाटन दो शब्द से बना हुआ है, दोष और उद्घाटन। उद्घाटन मतलब किसी चीज को सामने लाना, दोष उद्घाटन दोषोद्घाटन, ठीक है। ये दो शब्द है मिला हुआ, यहाँ पे दोषोद्घाटन ये शब्द है। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लेना उचित नहीं है। लेखक का कहना है कि बुराई करिए लेकिन बुराई को सामने लाइए, पर उसी को चस्का, उसी में चस्का लीजिए, रस लीजिए, और रस लेके उसको अपना बुराई करने का जरिया मतलब बना लीजिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। लेखक की दृष्टि में लेखक ने ये माना है कि बुराई में रस लेना तो बुरी बात है ही है, यानी कि किसी की बुराई को देखना और उसको सामने लाना तो बुरी बात है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा बुराई क्या है, उससे ज़्यादा बुरी बात क्या है, उससे ज़्यादा बुरी बात ये है कि हम अच्छाई को न देखें, अच्छाई में रस न लें, यानी कि किसी के उनका कहने का मतलब है कि कहने का उनके मतलब लेखक ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से बुराई लोगों को प्रभावित करती है, लोगों के चरित्र पर प्रभाव डालती है, उसी तरह से अच्छाई को भी हम कहें तो शायद अच्छाई का भी प्रभाव लोगों पर पड़ेगा, ठीक है। तो लोगों पे जब बुराई का प्रभाव जिस तरह से पड़ता है तो अच्छाई का प्रभाव भी पड़ सकता है। तो इसीलिए लेखक ये कह रहे हैं कि हमें ये सोचना चाहिए और हमें जिस तरह से बुराई का को लोग उजागर करते हैं, हमें उससे ज़्यादा अच्छाइयों को उजागर करना चाहिए, जिससे कि उससे लोग प्रभावित हों और लोग भी अच्छा कार्य करना शुरू कर दें। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। लेखक कह रहे हैं कि समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनको यदि हम उजागर करें, यानी उनकी यदि हम चर्चा करें, उनको हम सामने लाएं, तो लोक चित्त में, लोक माने लोगों के चित्त में यानी हृदय में उस अच्छाई का प्रभाव पड़े, लोग उससे प्रेरणा लें। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए के नोट दे दिए और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी और मैं चकित रह गया। लेखक इसका उदाहरण देने के लिए अपने जीवन में घटित एक घटना सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार उनके साथ एक घटना घटी, वे रेलवे स्टेशन गए और टिकट बाबू से उन्होंने टिकट खरीदा, 10 रुपए का टिकट किया खरीदा और जल्दी जल्दी में वह आकर रेलगाड़ी में बैठ गए, ट्रेन में बैठ गए। और कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि डिब्बे में एक सेकंड क्लास के डिब्बे में से वे आकर बैठे, तो कुछ देर में उन्होंने देखा कि एक आदमी चेहरा पहचानता हुआ आता है और वह उन्हें 90 रुपया वापस दे करके अफसोस जाहिर करता है कि
आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और मुझे 90 रुपये वापस करने थे, मैंने जो नहीं किया। अब रुपए दे करके उसके चेहरे पे लेखक को एक अद्भुत संतोष की झलक दिखाई दी, यानी कि उसने, उसे लगा कि उसने अपनी मतलब अधर्म नहीं किया, उसने पाप नहीं किया, उसने एक उसके चेहरे से एक अद्भुत संतोष झलक रही थी, मतलब संतोष की भावना उसके चेहरे पे उजागर हो रही थी। तो लेखक इस उदाहरण के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि हम यदि सभी को बुरा कैसे कह सकते हैं कि सभी बुरे हैं, एक उसी बुरे में एक अच्छा व्यक्ति भी हो सकता है, कि जैसे कि टिकट बाबू ने वापस जो है वो 90 रुपया रख सकता था, पर जो उदाहरण के जैसे समाचार पत्र में बहुत सारे लूट खसोट चोरी और धोखेबाजी के की खबरें आती हैं, उस हिसाब से अगर देखें तो वह टिकट बाबू उस पैसे को रख सकता था, परंतु उसने रखा नहीं और वह जो है वापस करने के लिए ढूंढते हुए आया। तो यह बात इसकी इसका उदाहरण देकर लेखक ये बताना चाहते हैं कि अभी भी समाज में ईमानदारी शेष है, इसीलिए उन्होंने इस पाठ का शीर्षक रखा है क्या निराश हुआ जाए। ठीक है, उसके चेहरे पे विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित था और उसकी उसके चेहरे को देख करके लेखक आश्चर्यचकित हो जाता है। चकित रहना, चकित का मतलब होता है आश्चर्य, आश्चर्य की भावना से युक्त, आश्चर्य की भावना से युक्त, यानी कि उसके जो चेहरे पे संतोष की झलक उन्होंने देखी उससे वे बड़े आश्चर्यचकित हो गए। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है? अब लेखक इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी समाप्त हो गई है। लुप्त हो जाना, लुप्त का अर्थ है समाप्त हो जाना, लुप्त बने समाप्त। तो वे कह रहे हैं कि किस तरह से कहूँ कि आश्चर्य समाज से जो है सच्चाई और ईमानदारी समाप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। कह रहे इस तरह से बहुत सारी घटनाएं उनके साथ और भी घटी हैं जो कि अवांछित थी। अवांछित माने जिसकी उन्होंने इच्छा नहीं की थी, अवांछित। अवांछित का अर्थ क्या होगा? अवांछित का अर्थ होगा कि जिसकी कि उन्होंने इच्छा नहीं की थी, जिसकी इच्छा न की है। अवांछित का अर्थ है जिसकी इच्छा न हो, यानी कि ऐसी घटनाएं भी उनके साथ घटी हैं जिसकी कि वे इच्छा नहीं करते हैं। अवांछित घटनाएं उनके साथ घटित हुई हैं, परंतु वे कह रहे हैं कि एक इसके साथ साथ ठगी और वंचना, वंचना माने धोखा, वंचना का अर्थ है धोखा, वंचना का अर्थ क्या है? धोखा। ठीक है, बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं उनके जीवन में, ठगी वंचना आदि, लेकिन वे कहने उनके कहने का तात्पर्य है कि उनसे ज़्यादा शक्तिशाली ये घटना है जिसने उनके दिल को प्रभावित किया, उनके मन में अपनी छाप छोड़ दी। ये घटना जो है बहुत शक्तिशाली घटना है। ऐसी घटनाओं को लेखक सबके सामने लाना चाहते हैं, उजागर करना चाहते हैं कि उससे लोग प्रेरित हों और वे अच्छे कार्य करने की ओर अग्रसर हों। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया।
बस ने जवाब दे दिया, रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लेखक अपने जीवन की एक और घटना हमसे साझा करते हैं। वे एक और घटना हमें सुनाते हैं। वह घटना ये थी कि एक बार वे यात्रा कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। और अचानक बस ख़राब हो जाती है और बस ख़राब होने के बाद गंतव्य से जहाँ पे उन्हें जाना है वहाँ से 8 किलोमीटर पहले बस ख़राब हो गई थी। और वे कह रहे हैं कि निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, रात में कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, बस के सारे यात्री जो है घबरा गए कि आखिर क्या होगा, कैसे होगा। तो जब वो कंडक्टर था वो साइकिल उठाया और चल देता है वहाँ जा कर के। जब वो जाता है साइकिल उठा करके तो लोगों को ये संदेह हो जाता है कि उन लोगों को धोखा दिया जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद वो जो है किसी गलत व्यक्ति से मिला है या उसे बुलाने जा रहा है जिससे कि यात्रियों को लूटा जाए। तो इस तरह का लोग उसके ऊपर संदेह करने लगे, कंडक्टर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। बस में जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने बहुत तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस भी लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया। यहाँ पे लेखक ये कह रहे हैं कि बस में वही अकेले थे और मतलब परिवार सहित थे और बाकी सब अकेले थे। तो उनके मन में एक डर समा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि बात सही हो। लोगों ने कहा कि बस को कुछ दिन पहले यही घटना घट चुकी थी, इसी तरह से बस रोकी गई थी और वहाँ पे एक इस तरह से बस को लूट लिया गया था। और इसको सुन के उनके मन में एक डर समा गया था क्योंकि वे ही अकेले व्यक्ति थे जो कि बस में परिवार के साथ थे। अब लेखक जो है कह रहे हैं कि हम ही अकेले बच्चों के परिवार के साथ थे तो उनके मन में एक डर समा गई थी कि जैसे कि लोगों ने कहा कि बस में डकैती हो गई थी, लोगों वहाँ पे बस को लूट लिया गया था। अब वे डर गए थे। बच्चे इनके जो है पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया। समा जाना मतलब कि मन में समा जाना यानी कि छा जाना, ठीक है, समा जाना यानी कि छा जाना। अब करें ऊपर कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। लेखक कह रहे हैं कि कुछ ड्राइवरों ने बच्चे को उनको पकड़ लिया और उनको मारने पीटने का हिसाब बना लिया कि उसको मारा पीटा जाए। मतलब उसने उन बच्चों उनको लगा कि इनको मारना चाहिए और ड्राइवर को उन्हें पकड़ लिया। ड्राइवर के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी। हवाइयाँ उड़ना डर जाना कहते हैं। हवाइयाँ उड़ना मुहावरा है। हवाइयाँ उड़ना इसका अर्थ है डर जाना। ड्राइवर जो था वो बड़ा ही डर गया था, बहुत भयभीत हो गया था और उसके मन में लोगों का डर समा गया था। वह एकदम भयभीत हो गया था। लोगों ने उसे पकड़ लिया
और वह बड़े कातर ढंग से, कातर ढंग से, कातर माने दयनीय, कातर का अर्थ है दयनीय, दयनीय, ठीक है। तो उसने जो है बड़े ही कातर ढंग से मेरी ओर देखा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। अब वो ड्राइवर जो है बड़ा डर गया था और डर करके इनसे इनसे प्रार्थना करने लगा, बड़ा दयनीय ढंग से इनसे निवेदन करने लगा कि ये लोग मुझे मारेंगे, हम लोग दूसरे बस का इंतज़ाम कर रहे हैं, आप हमें बचाइए, नहीं तो ये लोग हमें मारेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या कहते हैं कि डर तो मेरे मन में भी था, मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा को देखकर मैंने यात्रियों को समझाया और मारना ठीक नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि जैसा कि लोगों ने डराया था, ये भी डरे हुए थे, क्योंकि इन लोगों ने कहा था कि बस को लूट लिया गया था और कंडक्टर साइकिल लेके गया था, वो उन लोगों का कहना था कि वो कहीं से कुछ लोगों को लेके आएगा, गुंडों को, जैसे कि बस लूट ली जाएगी, जैसा कि कुछ दिन पहले घटना घट चुकी है। परंतु अपने डर को उन्होंने त्याग कर उस डरे हुए ड्राइवर को सहारा देने के लिए लोगों को उन्होंने समझाना शुरू किया और कहा कि आप लोग इस तरह से उसे मारिए नहीं, उसको मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन यात्री जो थे वो क्रोधित हो गए थे और डर गए थे, क्योंकि जो स्थान था वो अत्यंत निर्जन था, सुनसान था, तो बड़े डरे हुए थे और वे उनकी बात को सुनने के लिए वे तैयार ही नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत जाइए, आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। लोग इनको समझाने लगे कि यह जो है हम लोगों को धोखा दे रहा है, इसकी बातों पे हमें नहीं आना चाहिए, आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये पहले ही डाकुओं को लाने के लिए कंडक्टर को भेज दिया है। मैं भी उस बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। लेखक बहुत भयभीत थे, लोगों की बातों में आ गए थे और वे भी बहुत डरे हुए थे, परंतु फिर भी उन्होंने कंडक्टर को मारने से, ड्राइवर को मारपीट से उन्होंने बचाया, लोगों के मार खाने से उन्होंने बचाया। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लेखक ये कह रहे हैं कि इनके बच्चे भी पानी और भोजन के लिए बहुत ही बेचैन थे, व्याकुल थे, और इनकी भी हालत डर से खराब हो रही थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा था। अब इनकी बात सुन करके लोगों ने उसे मारा नहीं, परंतु उसे एक स्थान पर घेर कर रखा था कि वह कहीं भाग न पाए। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ता है, और जितनी सवारी होती है उस सवारी का ये काम होता है, ये प्रतिक्रिया होती है कि दुर्घटना के समय वे जो है ड्राइवर को ही सबसे पहले ख़त्म कर देना चाहते हैं, उसे मार देना चाहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ड्राइवर को ही रोक के रखा, घेर के रखा, जिससे कि वह कहीं भाग न जाए। मेरे गिड़गिड़ाने पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा। गिड़गिड़ाना मतलब एक तरह से सिफारिश करना, वे बहुत ही उससे सारे लोगों से उन्होंने याचना की, कहा और उन्हें समझाने की कोशिश की, प्रार्थना की, लेकिन लोगों पे इसका कोई असर नहीं पड़ा। अब क्या था कि ये कह रहे हैं कि एक खाली बस चली आ रही, थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि इसी समय उन्होंने ऐसा देखा कि एक कह रहे हैं कि इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा है। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक खाली बस चली आ रही है, उस पर उनका कंडक्टर भी बैठा है,
और उसके बाद जब वो पहुंचता है तो उसने आते ही कहा कि अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस में बैठिए। बस चलने लायक, वह बस चलने लायक नहीं थी। और वह कंडक्टर जो है लोगों से कहता है कि वो बस चलने लायक नहीं थी, बड़ी ख़राब हालत में थी, वो नहीं चल सकती है, इसीलिए मैं जो है अड्डे से नई बस लेके आया हूँ, आप सभी इस बस पर बैठ जाइए। तो इस प्रकार लेखक इन दो अच्छाइयों को, जो एक टिकट बाबू की बात और एक ये कंडक्टर की बात, उनको उदाहरण के रूप में हमारे सामने रखते हैं और कहते हैं कि हमें इसका एक तरह से लोगों को प्रेरित करने के लिए इसका उदाहरण सबके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। आज बस इतना ही, शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।